फोटोसेल क्या होता है, दो इलेक्ट जो कंडक्टर प्लेट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखी जाती है, वो ग्लास ट्यूब में पैक होती है, जो सोलर एनर्जी को मतलब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, वो फोटो सेल कौन सा है अपना डिवाइस, ये है, इसके अंदर पैक है, ये देखोगे तो ग्लास के अंदर दो प्लेट है, एक कर्वड प्लेट है, एक स्ट्रेट प्लेट है। कर्वड प्लेट को फोटो सेंसिटिव कोई मेटल से कोटिंग की हुई है ताकि वो लाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व करे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इमिट करे, दूसरी प्लेट में जाए तो सर्किट में करंट फ्लो हो जाती है। ठीक है, ये फोटो सेल है। इस फोटो सेल के ऊपर एक सर्किट डिजाइन करना है, मतलब अपना स्टॉपिंग वोल्टेज मेजर करने के लिए सर्किट डिजाइन करना है, तो अपने पास यहाँ एक पावर सप्लाई है फोटो सेल की। ठीक है, इसमें एक ब्लैक को इसे ब्लैक से नोट कर दिया और रेड को इस साइड के रेड से नोट कर देते हैं और बीच में एक दोनों का कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर स्टॉपिंग वोल्टेज निकालने का सिस्टम जो अपने सर्किट डायग्राम में दे रखा है, फोटो सेल को पावर सप्लाई के द्वारा स्टॉपिंग वोल्टेज का अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, मतलब एक इसमें एमिटर है, एक वोल्टमीटर, अपन रेगुलेटर में वोल्टेज इतनी अप्लाई करते हैं कि करंट क्या हो जाए, जीरो, स्टॉपिंग वोल्टेज निकालने के लिए, वो अरेंजमेंट है इसमें। ठीक है, इधर अपने पास एक बल्ब ऑर्डिनरी है। ठीक है, इसकी पावर सप्लाई के लिए अपन को यहाँ पर पैनल दे रखे हैं, लेकिन ठीक है, ये नहीं हो तो अपने यहाँ पर नहीं हो तो अपनी पावर सप्लाई की जाती, पावर सप्लाई में ऐड कर लिया, फिर प्लग ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन पावर सप्लाई के द्वारा ऑर्डिनरी ब्लब ऑन कर दिया, वही सेम ब्लब है। ठीक है, दूसरा ब्लब भी यूज करते थे, एक सेकंड टाइप दूसरे टाइप का ब्लब भी आता है अपने पास, और जिस साइड वो लास्ट में पड़ा है जैसे ब्लब कौन सा पड़ा ना, हाँ वो पता कभी आपको उसमें पड़ जाए, हाँ ये वो तो बल्ब की साइज आप समझ जाते हैं कि ये बल्ब है जो ऑर्डिनरी बल्ब है, सिंपल सा ये बल्ब और होता है। ठीक है, ये बल्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके हाइट को ऊपर सेट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, और इसमें तीसरा पार्ट होता है फिल्टर्स, फिल्टर होता है जैसे रेड फिल्टर है, तो इस रेड फिल्टर को यहाँ इस बॉक्स में लगाया जाता है। तो अब क्या होगा, जैसे ऑर्डिनरी लाइट में केवल रेड लाइट ट्रांसमिट होगी, मोनोक्रोमिक, ग्रीन है तो ग्रीन होगी, ब्लू होगी तो ब्लू, येलो, ये क्या है, कौन सा कलर है, येलो, ब्लू लग रहा है सर, ब्लू है सर, और ये ग्रीन है, हाँ जी ग्रीन है, और ये रेड है, तीन फिल्टर है, तीन फिल्टर के लिए रेडी है। सेट क्या करना है, वो इस सेम हाइट के करके इसको 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के प्लग को जो सेट कर लेते हैं, पावर सप्लाई से फोटो सेल को कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करना है, पहले एक फिल्टर को लगा देंगे सर, रेड फिल्टर, रेड फिल्टर, रेड फिल्टर को जैसे लगा के लाइट ऑन करेंगे, इसके अंदर क्या आ जाएगा, करंट आ, करंट पहले जीरो एडजस्ट कर लेते हैं, वोल्टेज इतना करते हैं जीरो रहते हैं, जैसे फोटो जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन मीट होगा इसमें करंट आ जाएगा 2 mA 5 mA कितनी भी आ गई, फिर अपन उसके लिए इतनी वोल्टेज लगाएंगे कि वो करंट क्या हो जाए, जीरो। जितनी वोल्टेज पर करंट जीरो होता है वो वोल्टेज स्टॉपिंग वोल्टेज फॉर द रेड फिल्टर, फिल्टर दूसरा सेम प्रोसेस करके स्टॉपिंग वोल्टेज फॉर द क्रॉसकॉर्डिंग टू रेड, क्रॉसकॉर्डिंग द येलो, क्रॉसकॉर्डिंग ब्लू, तीन फिल्टर है, तीनों के क्रॉसकॉर्डिंग केवल स्टॉपिंग वोल्टेज निकालने हैं। ठीक है, जो इस सिस्टम के द्वारा निकाल सकते हैं। अब अपन स्टॉपिंग वोल्टेज ग्रीन फिल्टर का गिवन है, तो अपने एक फॉर्मूला होता है प्लांक कांस्टेंट के लिए, स्टॉपिंग वोल्टेज दे दो और फिल्टर का ग्रीन फिल्टर की वेवलेंथ अपन स्टैंडर्ड जानते हैं, जो तीन फिल्टर है तीनों फिल्टरों की वेवलेंथ स्टैंडर्ड गिवन, तो लैम्डा गिवन होता है, क्रॉसकॉर्डिंग स्टॉपिंग वोल्टेज निकाल लेते हैं, फॉर्मूला रखे प्लांक कांस्टेंट एज मेजर कर लेते हैं, ये अपने पास एक फोटो सेल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है।